प्रोमिनेंट मतलब समझते हो, प्रोमिनेंट का स्पेलिंग बोल पाओगे? तूने क्या बोला करा है, मैं समझो न रहे। पहला दिन हो आखिरी, मास्टर सिखाने का ही प्रयास करेगा। आखिरी दिन ऐसा मतलब छोड़ा गया, लौंडिया नाच हो जाएगा। इधर तो सुन लो, हम ये जानते हैं कि सब नहीं सुन सकता, जो बच्चा सुनना चाह रहा है उसको सुनने दो। तो क्वेश्चन नंबर जब भी देना, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जब हम डाले तो प्रोमिनेंटली वो दिखना चाहिए, डबल लाइन से अंडरलाइन करोगे उसको। क्वेश्चन नंबर साफ साफ दिखना चाहिए हम कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। बच्चा क्या करता है, इतनी को 8 देके घेर लिया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा करके डबल उसको कीजिए ब्लैक पेन से और उसको अंडरलाइन कीजिए। अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है कि हम पेन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू। आंसर लिखने में दोनों पेन यूज करना है। तुमको लगता है मास्टर तुमको फंसाना चाह रहा है, अरे तो तुम मत लिखो, ब्लैक ब्लू दोनों से लिखना है। क्या करना है, ब्लैक ब्लू दोनों से लिखना है। जब भी कोई टॉपिक देंगे, जब भी कुछ लिखना है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग लिखना है, तो ग्लोबल वार्मिंग को पहले ब्लैक से लिख करके अंडरलाइन करेंगे। और यहां पर हम लोग कॉपी में क्या करते थे, नीचे से लिखते थे ना, लेकिन एग्जाम में नीचे से नहीं लिखेंगे, यही साइड से लिखेंगे। और फिर यहां नहीं आएंगे, यहीं से लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगा और ज्यादा भर पाओगे। समझ आ रहा है? और नहीं तो इतना लंबा कॉपी होता है कि एक लाइन में तुम्हारा जितना दिमाग में याद करके गए सब खत्म। अब लिखो उसके बाद क्या लिखोगे। डायग्राम जब भी डालना है, जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन नंबर, अब यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ, तो कम से कम मिनिमम 3 लाइन का गैप छोड़ना है, 3 लाइन का, कम से कम 3 लाइन का गैप छोड़ना, ताकि तुम साफ साफ दिखे कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे मिले अकबका लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अगर तुम ढंग से बायोलॉजी विंग्स के स्टूडेंट रहे हो, खाली काट रहा है तब नहीं। सर एक बच्चा भी आया, उसको हम जानते हैं कि गिन करके वो 30 दिन क्लास नहीं किया होगा पूरे साल में, लेकिन वो भी बायोलॉजी विंग्स का स्टूडेंट है, क्योंकि उसके पास कार्ड है। तो हमारा स्टूडेंट है नहीं एक्चुअली में, कार्ड होने से तुम मेरा स्टूडेंट नहीं हो जाते हो। जो ढंग से सच में बायोलॉजी विंग्स का स्टूडेंट रहा है, उसको संभव ही नहीं है कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ना आए, असंभव है। धरती पर का किसी कोना से अगर बोर्ड क्वेश्चन निकाल के दे देगा ना, तो 20 गो में से उसको 10 गो आ रहा होगा, ये सत्य है। अब जब 10 क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो क्वेश्चन का सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे। अपना काम करवाइए हम क्लास में। हम किसी का नंबर नहीं दे पाएंगे, अभी हम बहुत भयानक क्लास में है। ठीक, नंबर देंगे प्रधानमंत्री भी अभी आ जाएगा, तो बोलेंगे आप वेट कीजिए नीचे ऑफिस में, टुटली छपरी में, 1 घंटा बाद मिलेंगे। ध्यान से सुनो, हटा दो सेंटर में, हटा दो। 3 लाइन छोड़ना। अब बाजा बत्ती बजते रहेगा भागलपुर में, आसमानों को चीर के आशाएं यहां कराई जाती है, नीट की मुकम्मल तैयारी यहाँ बोर्ड ने हो रहा है। सिलेबस खत्म करने पर पॉइंट पहन के फुल पॉइंट पहन ले रहा, अब फुल पॉइंट पर ऊपर जा गया। वो भी शुरू जो देखो गाड़ी चलता है, शुरू लगे कितना प्यारा, कितना अच्छा, सुंदर ये संसार, यही है हमारा भगवान। भगवान कोई किसी का नहीं है धरती पर, तुम्हारा भगवान तुम खुद है, तुम अपना किस्मत खुद लिखता है, कोई तुम्हारे लिए जिम्मेदार इस पृथ्वी पर नहीं। तुमको कितना नंबर आएगा, तुम जीवन में कहां पहुंचोगे, इसमें तुम्हारा ही कर्म काम आएगा, किसी दूसरे का नहीं। पहला दिन से बोल रहा है, अगर द्रोणाचार्य बहुत बढ़िया होते ना, तो 5 पांडव अर्जुन के लेवल का धनुर्धर होता, सबको वही पढ़ाए थे द्रोणाचार्य। तो यहां पर जितना बैठा हुआ है सब अवार्ड फंक्शन में आ जाएगा। हम चाहते हैं आए, हम चाहते हैं अवार्ड फंक्शन में अवार्ड देते, दिवालिया घोषित हो जाए। बाप चाहता है
कि बेटा को सक्सेस कराने के लिए बाप बर्बाद हो जाए। लेकिन क्या है ना कि करोगे तब ना, तुम क्या बोला हम नहीं सुने। करने भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए। कुछ बच्चा यहां है, बोर्ड है, फेयरवेल में आया है, लेकिन यहां बैठ के पबजी खेल रहा है। तो हमको दुख नहीं है, हमको इस चीज का क्यों दुख रहेगा। योर वैलिडिटी इज एक्सपायर्ड, यू आर एंजॉयिंग एक्स्ट्रा सर्विसेस, तुम्हारा काम खत्म है। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से पहला लाइन के पहला शब्द से, चैप्टर 16 के आखिरी लाइन का आखिरी शब्द। अगर पूरे में तुम कह दो कि मास्टर नहीं पढ़ाया तो हम मान जाए। अगर तुम निकालोगे अपना कॉपी और एनसीईआरटी तो कम से कम 100 वो टॉपिक ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे कॉपी में होगा लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। और हम तुमको क्या पढ़ाए हैं तुम अभी हमको बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल ही नहीं अभी बताने का। 4-5 बरस बाद जब जीवन में आगे बढ़ोगे, कहीं ढंग पर पहुंचोगे और बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि बायोलॉजी विंग्स का मास्टर भागलपुर में 5,000 रुपया लेके क्या देता है, और PW जैसा इंस्टीट्यूट टीवी दिखा करके 70,000 रुपया लेकर के क्या देता है। वक्त का इंतजार करो। तुमको लगता है हम फी लेते हैं, तुमको लगता है हम चाप के फी लेते हैं, हम दाब के फी लेते हैं, गरीब आदमी से भी छीन लेते हैं। जीवन में 3 साल आगे बढ़ो, समझ में आ जाएगा कि मास्टर फी नहीं लेता है, पढ़ा रहा है, यही बड़ा बात है। तुम जीवन में आगे तो चलो, अभी हमारे कहने से इसको तुम बड़बोलापन समझो या धूर्त बनाना समझो। अब हम तुमको क्यों धूर्त बनाएंगे, तुम पैसा दोगे, तुम एडमिशन लोगे, हम तुमको क्यों गलत बोलेंगे। हम पहला दिन जो है वही आखिरी दिन है, और भगवान और सरस्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमको आप ऐसे ही रखिए ताकि हम शुरू में कुछ और आखिरी में कुछ, ये दोहरापन हमको भगवान ना दे अंदर से, ये हम हमेशा विनती करते हैं। तो जो प्योर तुम हो वही बनने का प्रयास करो, जीवन आधा आसान हो जाएगा। ये दुनिया आधा परेशान इसलिए है क्योंकि वो बनावटी लाइफ जी रहा है, क्योंकि वो जो है वैसा वो दिखना ही नहीं चाह रहा। तुम जो हो वही दिखोगे ना तो आधा जिंदगी हो जाएगा आसान। आदमी आधा परेशान है अपने आप को मेंटेन करने में, मेंटेन उसको करने की जरूरत पड़ता है जो नीचे गिर सकता है, जो जो है वही है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। तो जब भी 2 क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बीच में क्या करेंगे, 3 लाइन का गैप छोड़ेंगे, 3 लाइन का गैप छोड़ेंगे। और 10 क्वेश्चन का जब हम सिलेक्शन कर रहे होंगे तो पहले हम डिसाइड कर लेंगे हमको कौन कौन सा 10 क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को घेर लेंगे। फिर 10 क्वेश्चन में हम पेज वाइज फ्रेमिंग करेंगे कि पहला पेज पर हम 2 क्वेश्चन कौन लिखे। अगर मान लो पहला पेज पर तुम लैंगिक और अलैंगिक के बीच में अंतर लिख रहे हो तो उसमें एक पन्ना पूरा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर मान लो 7 है लैंगिक और अलैंगिक बीच में अंतर, तो तुम दे दोगे P1, पेज नंबर 1 पर सिर्फ यही आंसर रहेगा। 5 मिनट का समय लगाओगे अपने क्वेश्चन के सिलेक्शन में कि हमने कौन 10 क्वेश्चन करना है और किस पेज पर कौन सा क्वेश्चन लिखना है। पेज नंबर टू पर मान लो कि 2 ऐसा क्वेश्चन हम लिखेंगे जो कि दोनों उस पेज पर आ जाए। एक तो मान लो हमने सर्च सेलेक्ट कर लिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और एक तो मान लो सर्च कर लिया कि X-C2 कंजर्वेशन क्या होता है। ये दोनों ऐसा है कि आधा आधा पन्ना में एक पेज पर आ जाएगा, तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, P2। इस तरह से क्या करना है, हमको 7 पन्ना सिलेक्शन करना है। 5 नंबरिया में तो कोई टेंशन ही नहीं, कोनो उठाना है 3-3 को और एक तरफ से लिख देना। समझ आ रहा बात। अगर हो सके तो पहले 3 5 नंबरिया कर दो, अगर हो सके तो, नहीं हो तो घबराने का बात नहीं है, और कोई जरूरी नहीं। हम अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं लिखे, हम अपने जीवन में हमेशा लिखे हैं एग्जाम सीरियल नंबर वाइज, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 8, फिर घूम करके 5 पर नहीं गए। क्या जानते हो, क्योंकि उसके पहले का प्रैक्टिस ही इतना खतरनाक होता था कि हमको पता होता था कितना समय में हम कितना क्वेश्चन कितना किस तरह से लिख सकते हैं।
और हर एग्जाम में आधा आधा जब एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता था तो हमको यही लग रहा होता था कि हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, और फिर भी जब लास्ट में लिख करके हम कलम रख रहे होते थे तो देखते थे सब लिख रहा है। आधा परीक्षा पार होने के बाद हमको यही लगता था हर परीक्षा में कि हमारा क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएगा, और फिर भी सबसे पहले लिखते थे और कम से कम दो बार क्रॉस चेक करते थे, और दो बार क्रॉस चेक करने में सैकड़ों गलतियां मिलती थी, सैकड़ों।